माफियाती कहमत को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चर्चाओं के बाजार को गुलजार कर दिया है। दरअसल अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटों को बाल संरक्षण विभाग से रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, अतीक के चौथे नंबर के बेटे एहजम और पांचवें तो सबसे छोटे बेटे आबान को बाल संरक्षण विभाग से रिहा किया गया। दोनों 8 माह से बाल संरक्षण विभाग में थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोनों को रिहा किया गया। वहीं अतीक की बहन को दोनों बेटों की कस्टडी सौंपी गई है। एहजम की उम्र बीते दिनों हुई 18 साल की हुई। उसके बालिग होने के बाद उसे बाल संरक्षण विभाग से रिहा किया गया है। रिहाई के वक्त दोनों बेटों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गैंगस्टर से नेता बनी अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों की कस्टडी उनकी बुआ यानी अतीक अहमद की बहन को सौंप दी गई। यह फैसला प्रयागराज बाल कल्याण समिति के निर्देश पर सोमवार को लिया गया। आपको बता दें, अतीक अहमद के दोनों बेटे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से 2 मार्च से प्रयागराज में बच्चों के संरक्षण गृह में थे। इस हत्याकांड में अतीक और उसके 2 अन्य बेटे आरोपी हैं। वहीं अतीक अहमद का अंत तो आपको याद ही होगा, जब 15 अप्रैल को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाते समय पुलिस हिरासत में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, वह अभी फरार चल रही है। रिहाई के वक्त बच्चों को मीडिया से दूर रखा गया। इससे पहले प्रयागराज पुलिस ने जिले की CJM कोर्ट में अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्चों के पिता की हत्या हो चुकी है, दोनों बड़े भाई जेल में हैं और मां शाइस्ता परवीन लगातार फरार चल रही है। जिसके बाद अतीक अहमद की बहन परवीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रयागराज पुलिस ने 4 मार्च को दोनों बेटों को उनके घर के पास से लावारिस हालत में बरामद किया था। घर में कोई जिम्मेदार सदस्य ना होने और बच्चों के नाबालिग होने की वजह से उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल कर दिया गया था। बहरहाल, अब आगामी दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।